राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्ष की कोशिश एकजुट होने की थी। हालांकि इस चुनाव में राजग की ओर से द्रौपदी मुर्मू के रूप में लगाए गए आदिवासी और महिला दाव ने विपक्ष की एकता तार तार कर दी। विपक्ष में पड़ी फूट के कारण मुर्मू बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। मुर्मू की उम्मीदवारी से जहां यूपीए में फूट पड़ गया, वहीं दूसरे विपक्षी दल ने मजबूरी में मुर्मू का साथ देने की घोषणा की। सांसदों के तीखे तेवर के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मुर्मू का साथ देने के लिए मजबूर हो गए। मुर्मू के समर्थन और विरोध के सवाल पर यूपीए में ही फूट नहीं पड़ी है, बल्कि सपा और कांग्रेस जैसे कई दल भी फूट के शिकार हुए हैं। खासतौर पर विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखने वाली टीएमसी सियासी नुकसान के भय से खुद उहापोह में है। अब तक 8 गैर राजक दलों ने मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मुर्मू को अब तक गैर राजक दलों में बीजेडी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, बसपा, झामुमो, जदयस और शिवसेना ने समर्थन देने की घोषणा की है। इनमें झामुमो, शिवसेना, जदयस और टीडीपी ने पहले विपक्षी दलों की बैठक में यशवंत के नाम पर सहमति दी थी। हालांकि राजग के आदिवासी कार्ड के बाद ये दल मुर्मू के साथ आने पर मजबूर हो गए। समर्थन के सवाल पर कांग्रेस सपा में फूट पड़ गई तो शिवसेना के अधिकांश सांसदों ने उद्धव को मुर्मू का साथ देने के लिए एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया। सूत्रों का कहना है कि संसदीय दल में फूट रोकने की कोशिश में जुटे उद्धव मुर्मू का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस के झारखंड के कुछ विधायकों ने मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की, जबकि सपा के शिवपाल यादव ने मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी मुर्मू के समर्थन में आगे आएगी। मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की उलझन बढ़ा दी है। उनके सामने एक तरफ खुद के प्रस्तावित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है तो दूसरी ओर आदिवासी वर्ग की द्रौपदी। ममता को द्रौपदी का समर्थन न करने की स्थिति में आदिवासी वर्ग के नाराजगी का डर सता रहा है, वो इसलिए कि राज्य में आदिवासी इलाकों में बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी। यही कारण है कि ममता मुर्मू के प्रति उदारवादी रुख अपना रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि राजग अल्पसंख्यक या आदिवासी समुदाय से उम्मीदवार दे रही है तो हम उसे समर्थन करने पर विचार करते। विपक्ष के 7 दलों के समर्थन और शिवसेना में हुई टूट के बाद द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। इन दलों के साथ आने से उनके समर्थक वोटों की संख्या 6.5 लाख के करीब पहुंच रही है। गौरतलब है कि राजग के पास 5,26,420 वोट हैं, जो उम्मीदवार को जिताने के लिए 13,000 कम थे। हालांकि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के साथ आने और शिवसेना में बड़े टूट के साथ ही भाजपा की समस्या दूर हो गई। हालांकि मुर्मू अब भी बीते चुनाव में राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तुलना में कम वोट हासिल करती दिख रही हैं। कोविंद को बीते चुनाव में करीब 7.2 लाख वोट हासिल हुए थे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।